मौसम की गुस्ताख मिजाजी, आलसी से दिन, उबाऊ शामें, तन पर कपड़ों का बोझ, कांपते होंठ, सुन्न हुई उंगलियों के छोर, कोहरे और बादलों की परतों में छिपे सूरज को बड़े अरमान से निहारती आंखें, हवा में भाप बनकर छूटती सांसें और मोटी रजाइयों की गुनगुनाहट जन्नत का एहसास करवाती हैं। जाहिर है ठंड का मौसम है तो ठंड लगनी भी लाजमी है। तन से ठंडी हवा के टकराते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पानी की छुअन तो कुछ लोगों को बुरे टॉर्चर से कम नहीं लगती, लेकिन ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बाकी लोगों की तुलना में ठंड उतनी नहीं सताती। कहने का मतलब है कि ठंड का एहसास सभी लोगों को अलग अलग होता है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा ठंड लगती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये बड़ा सवाल है। चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। ठंड का एहसास सबसे पहले त्वचा पर होता है। ऐसा होते ही त्वचा पर इसकी प्रतिक्रिया दिखाई देने लगती है और गूज बम्प्स उभर आते हैं। जब तापमान गिरता है तब शरीर के पहले सुरक्षा घेरे उससे शरीर के बचाव के लिए सक्रिय हो जाते हैं। हमारी त्वचा के नीचे मौजूद थर्मोरिसेप्टर नर्वस दिमाग के हाइपोथैलेमस तक ठंड के संकेत तरंगों के रूप में भेजते हैं कि तापमान गिर गया है। हाइपोथैलेमस शरीर की आंतरिक तापमान और पर्यावरण का संतुलन बनाता है। संतुलन बनाने की प्रक्रिया में ही रोए खड़े हो जाते हैं और मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। ऐसे में ये अलग अलग शरीरों पर अलग अलग तरह से और अलग अलग स्तर की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। जिन लोगों का शरीर ज्यादा सेंसिटिव होता है उनके दिमाग को तेज संकेत मिलते हैं और उन्हें ज्यादा ठंड भी लगती है, जबकि कुछ लोग जो ठंड झेलने के अभ्यस्त होते हैं, जैसे कि ठंडे इलाकों या हिल स्टेशंस पर रहने वाले लोगों का शरीर ठंड को लेकर उतनी तीव्र प्रतिक्रिया या तीव्र संदेश दिमाग को नहीं भेजता। ऐसे में उनका शरीर ठंड को कम खतरा समझता है, लिहाजा इस तरह के लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले ठंड उतनी नहीं सताती। हाइपोथैलेमस शरीर के नर्वस सिस्टम को मैसेज देता है कि हमारा शरीर तापमान के गिरने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तापमान ज्यादा नीचे गिर जाता है तो शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। ज्यादा ठंड, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, इससे जान भी जा सकती है। आपकी त्वचा पर सर्दी महसूस होती है लेकिन दिमाग के अंदर के तापमान को गिरने से रोकता है। दिमाग पूरे शरीर को चेतावनी देता है कि तापमान गिर रहा है, आपको तापमान संतुलित करना है। ऐसी स्थिति में सारे अंग मांसपेशियां अपने काम करने की स्थिति धीमा कर देती हैं। धीमी गति से काम कर रहे अंगों से ज्यादा मेटाबॉलिक हीट पैदा होती है, इसी वजह से शरीर में अचानक कपकपी होनी शुरू हो जाती है। कपकपी आने का मतलब है कि आपका शरीर बाहर के तापमान की तुलना में अंदर के तापमान को संतुलित कर रहा है। ऐसे में अगर आपको भी ज्यादा ठंड लगती है और कपकपी की शिकायत भी रहती है तो इसे अब से शरीर की रक्षात्मक प्रणाली ही समझिए। इसे देर तक सहन कर खिलाड़ी या सैनिक खुद को ठंडे तापमान के लिए अभ्यस्त बनाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।